भ्रष्टाचार निवारण संगठन बस्ती मंडल बस्ती द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में एक लेखपाल को गिरफ्तार कर कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 में प्राथमिक पंजीकृत कर विविध कार्रवाई की गई। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन बस्ती इकाई के मुखबिर सिंह भदौरिया ने बताया कि तहसील बाशी के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता से लखपाल द्वारा खतौनी में आवेदक के पिताजी का नाम त्रुटिवास छूट जाने से उसे दर्ज कराने के एवज में 50,000 घूस लेते हुए बासी तहसील अंतर्गत पुरानी कचहरी से बाहर जाने वाले रास्ते पर राकेश तिवारी के दरवाजे से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लेखपाल राहुल पुत्र राम कुमार उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नंबर 546 सेक्टर 9 थाना इंदिरा नगर जनपद लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवासी बताया जा रहा है। एक शैलेंद्र दुबे जी हैं, ये कीड़ा परवानी बासी के रहने वाले हैं, मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के। इन्होंने 13/10/2023 को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके पिताजी के नाम जो जमीन उनके पिताजी के भाई ने बेची थी उसमें उनका नाम नहीं था खतौनी में, तो नाम सही कराने के लिए इन्होंने यह अप्लाई किया था इनके पिताजी ने। उसके बाद SDM साहब के लिए मार्क किया गया, SDM साहब ने इनको मार्क कर दिया लेखपाल कानू के लिए। उनसे ये 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे, करीब एक महीने से टहला रहे हैं उसको। फिर जब तेज मेरे शिकायत मिली तो मैंने उसे PTRF जाँच कराई। जाँच कराने के उपरांत आज इनसे बात हुई, इनका फोन आया था आरोपी को खुद ही कि कहाँ हो पैसे दे जाओ। फिर ये आए, फिर ट्रैप किया गया। इनका नाम राहुल कुमार है, ये यहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी लखनऊ के हैं, इंदिरा नगर क्षेत्र के। सर पूरी कार्रवाई क्या है? 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। शिकायत थी आपकी इनकी शैलेंद्र दुबे की, और ट्रैप टीम प्रभारी मैं हूँ सुखवीर सिंह भदौरिया जनपद बस्ती। कहाँ से पकड़ा गया सर? ये पुरानी कचहरी, पुरानी तहसील बासी।